Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I am discussing on nowadays topics of statistics in education or educational statistics, in which I have already discussed the concept of mean, median and mode, that is measures of central tendency. And in this video, I am going to discuss how to calculate mean. That is computation of mean, and the computation of mean is very important and very relevant for all the students who have gone through statistics. Okay, so हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? माध्य निकालना है. अभी तक तो हमने यही जाना कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक होता है, और जो माध्य होता है वो मध्य है, मतलब कि जो सारा डेटा उसी के इर्द गिर्द है, वो बीच का पॉइंट. बीच का पॉइंट तो मीडियन है, वो मतलब एवरेज. सबको हमने जोड़ा है, जितना भी मान था और सबकी जितने संख्याएं थी उनसे भाग दे दिया है, तो हमारा माध्य निकल आता है. तो माध्य निकाला जाता है दो तरीके से, हमें या तो अनग्रुप्ड डेटा मिलेगा या ग्रुप्ड डेटा मिलेगा. तो अनग्रुप्ड डेटा किसको कहते हैं, मतलब अवर्गीकृत और वर्गीकृत, है ना. तो एनी डेटा दैट हैज नॉट बीन कैटेगराइज्ड इन एनी वे इज टर्म्ड एज एन अनग्रुप्ड डेटा. कोई भी आंकड़ा है उसको आपने वर्गीकृत नहीं किया है, समूह में नहीं बांटा है, तो वो अनग्रुप्ड ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन इंडिविजुअल हु इज 25 ईयर्स ओल्ड, अनदर हु इज 30 ईयर्स ओल्ड, एंड येट अनदर इंडिविजुअल हु इज 50 ईयर्स ओल्ड. यानी कि हमको तीन इंडिविजुअल दिए गए, एक 25 साल का, एक 30 साल का, एक 50 साल का, हमने कोई भी इसकी वर्गीकी नहीं बनाई है. तो ये अनग्रुप डेटा हो गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट फिगर है, सब एक दूसरे से अलग है एंड नॉट ऑर्गेनाइज इन एनी वे, दस दे आर अनग्रुप डेटा. और ये एक दूसरे से कोई इनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये अनग्रुप्ड हो गया. ग्रुप्ड क्या है, ए डेटा दैट इज कैटेगराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इज टर्म्ड एज ग्रुप डेटा. जिसकी हमने कैटेगरी बनाई है, जिसको हमने संगठित कर दिया है, वो वर्गीकृत आंकड़ा है. मेनली सच डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जनरली हमको इस तरीके का आंकड़ा मिलता है जिसमें हमको आवृत्ति वितरण भी मिलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव एज रेंज 26 टू 30 ईयर्स, 31 टू 35 ईयर्स, 36 टू 40 ईयर्स एंड सो ऑन. यानी कि हमको बता दिया जाएगा कि 26 से 30 साल में मान लीजिए आवृत्ति 5 है, यानी कि किसी का 26 हो सकता है, किसी का 27, किसी का 28, किसी का 29, इस तरह से हमने ग्रुप बना दिया है. 31 से 35 में मान लीजिए 4 लोग हैं, 36 से 40 में मान लीजिए 2 लोग हैं, इस तरह से. तो ग्रुप्ड डेटा आर कन्वीनियंट स्पेशली व्हेन द डेटा इज लार्ज. जब आंकड़े हमारे पास बड़े होते हैं तो ग्रुप डेटा या वर्गीकृत आंकड़ा हमारे लिए कन्वीनियंट होता है. अब आती है बात कि अगर हमको अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे. The formula for computing mean for ungrouped data is m is equal to summation of x upon n. यहाँ पे summation का sign ऐसे बनेगा, वो यहाँ नहीं है, अगली वाली slide में मिल जाएगा. तो summation of x यानी कि सब हमने जोड़ लिया जितने मान थे, जैसे मान लीजिए 25 और 30 और 50 है, तो 25, 30, 50 वैसे इसमें आगे example है. तो m बराबर क्या है, मीन एंड समेशन ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन. यानी वितरण में जितने अंक दिए गए सबको जोड़ लीजिए और टोटल नंबर ऑफ दी स्कोर से भाग दे दीजिए. जैसे मान लीजिए दी स्कोर्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी आर एज अंडर. जैसे कि साइकोलॉजी के बच्चों को मान लीजिए किसी को 58 मिला है, किसी को 34, किसी को 32, किसी को 47, 74, 67, 35, 34, 30 और 39, ये मार्क्स मिले हैं. और हमसे कहा जा रहा है कि इसका मीन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, 58 प्लस 34 प्लस 32 प्लस 47 एंड सो ऑन. तो जोड़ा तो कितना आया, 450. और ये खुद कितने अंक हैं, एक मतलब कितने बच्चों के अंक हैं, 10 स्टूडेंट्स के, गिन के भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमने 450 बटे 10 यानी कि 45. तो 45 का क्या मतलब है, यानी कि कुछ बच्चों के 45 से ज्यादा हैं, कुछ बच्चों के 45 से कम है, पर ओवरऑल एवरेज 45 है. ये हुआ मतलब माध्य का या औसत का, सभी ने निकाला है, औसत बहुत आसान होता है. अब बात आएगी ग्रुप डेटा की, वो जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, क्योंकि वैसा हमने सवाल औसत तो हम मैथ्स में भी लगाते आए हैं. क्या करते हैं ग्रुप डेटा में, और ग्रुप डेटा द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग मीन फॉर ग्रुप डेटा इज एम. एम इज इक्वल टू क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन. समेशन का मतलब जब भी ये साइन लगेगा इसको समेशन योग का चिन्ह बोलते हैं, यानी कि हमको सारे एफ एक्स जोड़ देने हैं और एन से भाग दे देना है. वहां पे हम क्या कर रहे थे, x को n से भाग दे रहे थे, अनग्रुप डेटा में यही तो अंतर था. अनग्रुप डेटा में क्या था, x अपॉन n, समेशन ऑफ x अपॉन n. यहाँ क्या है, समेशन ऑफ f x अपॉन n. तो f क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो आया है आंकड़ा. देखिए m ये समेशन का पॉइंट हो गया, x क्या है यहाँ मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आपको बताते हैं. f क्या है, स्मॉल f आवृत्ति है, द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी बार बारंबारता है उसकी, और n इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. वहां पे भी टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स था,
अब निकालते हैं. ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स वर गिवन साइकोलॉजी टेस्ट एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम वर कैटेगराइज्ड इनटू 6 कैटेगरीज. ये कह रहे हैं कि 30 बच्चे हैं विद्यार्थी जिन्होंने जिन पर एक साइकोलॉजी का टेस्ट लगाया गया और उनके ये इतने नंबर आए हैं साइकोलॉजी के एक टेस्ट में. उनके द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड वर 10 एंड हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड वर 35. यानी कि 10 से लेकर 35 तक के बीच में नंबर आए हैं. ए क्लास इंटरवल ऑफ 5 वॉज एम्प्लॉयड. द डेटा इज गिवन एज फॉलोज. मतलब कि वर्ग अंतराल 5 का है. अब देखो ये बनी है हमारी सारणी. ये देखिए 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39. ये कौन सी सारणी है? ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है. एक्सक्लूसिव होती तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 होती, जिसमें हम 15 वाली छोड़ देते. क्यों? क्योंकि 15 वाली यहाँ काउंट हो रही है. ये इंक्लूसिव सीरीज है, पहली बात. अब फ्रीक्वेंसी देखिए, 10 से 14 के बीच में 3 बच्चों के नंबर है, 15 से 19 के बीच में 4, 6, 5, 7, 5. ये हो गया फ्रीक्वेंसी. अब इसमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमको एक्चुअल स्कोर नहीं पता है, हमको बस पता है कि 10 से 14 के बीच में 3 है. तो 10 से 14 के बीच का मिड पॉइंट क्या आएगा? 12. 15 से 19 का 17. या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ये चूंकि इसमें वर्ग अंतराल 5 का है ना, तो पहला 12 है तो 5 5 जोड़ते चलिए. 12, 5 17, 5 22, 5 27, 5 32 और 5 37. ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं. 10 और 14 के बीच में 12 आ गया, 15 और 19 के बीच में 17 आ गया, 20 और 24 के बीच में 22 आ गया. अब क्या करेंगे? सारे f को x से गुणा करना है, f इंटू x करना है. जब किसी के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब किसका साइन है? गुणे का. तो 5 से 37 में गुणा किया 185, 224, 135, 132, 68, 36. सारा हमने एफ एक्स निकाल लिया. फॉर्मूले में हमको क्या लगाना है? समेशन ऑफ एफ एक्स. तो हमने समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, कितना आया? 780. और फ्रीक्वेंसी और एन क्या है? यही हम सारा जोड़ देंगे तो एन निकल आएगा. एन क्या है? 30. तो फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू आ गया 26. ये है ग्रुप्ड डेटा का. लेकिन ये ग्रुप्ड डेटा का कौन सी विधि है? लॉन्ग मेथड है. क्यों लॉन्ग है? देखने से तो शॉर्ट लग, मतलब ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं लग रहा है. बहुत लंबी सीरीज होती तो दिक्कत होती. और ये चूंकि इसको बार बार गुणा करना पड़ा ना, 5 को 37 से, 7 को 32 से, तो ये बहुत गुणा भाग थोड़ा लंबा पड़ रहा है इसमें, इसलिए इसको लॉन्ग मेथड कहते हैं. शॉर्ट मेथड भी है. देखिए और ग्रुप डेटा शॉर्टकट मेथड, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे पूछ देगा कि शॉर्टकट मेथड से आप इसमें का मीन निकाल के दिखाइए. तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? इन सर्टेन केसेस डेटा इज वेरी लार्ज. कई बार ऐसा हो सकता है कि डेटा आपका बहुत बड़ा है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट ईच एफ एक्स. तो हर बार आप मिड पॉइंट को बारंबारता से गुणा करिए, थोड़ा सा टिपिकल लेंदी हो सकता है. इन सच सिचुएशंस अ शॉर्टकट मेथड विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन कैन बी कंप्यूटेड. तो हम शॉर्टकट मेथड क्या लगाते हैं कि एक मीन हम पहले ही मान लेते हैं अज्यूम्ड. कुछ तो देखने से भी पता चल रहा है ना कि हाँ ये बीच का मान हो सकता है. फिर हम क्या करेंगे? अ रियल मीन कैन दस बी कंप्यूटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन. फिर हम फॉर्मूले में रखेंगे और उसमें हमने ये जो है ना आपका ये है ना एज्यूम्ड मीन, इसमें ये हम जोड़ देंगे, ये करेक्शन है आपका. तो ये माइनस में भी आ सकती है संख्या, प्लस में भी आ सकती है. तो इसमें से या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा और एक्चुअल मीन आपको पता चल जाएगा. फॉर्मूला क्या हुआ? एम इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन तो हमने मान लिया है, लेकिन हम उसमें सुधारेंगे कैसे? समेशन ऑफ एफ एक्स डैश अपॉन, ये डैश लगना चाहिए था, ये कॉमा लगा है क्योंकि उसका साइन नहीं दिख रहा था मुझे. समेशन ऑफ एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई. अब ए एम क्या है? एज्यूम्ड मीन, वो माध्य जो हमने माना है, आपने कल्पित माध्य, आपने मान लिया है कि ये माध्य है. फिर समेशन का साइन है ये, आई जो है वो क्लास इंटरवल है. एक्स डैश क्या है? यही खास है सबसे. एक्स डैश क्या है? एक्स माइनस ए एम अपॉन आई. एक्स मिड पॉइंट, ए एम एज्यूम्ड मीन और आई यानी कि हम उसके वर्ग अंतराल से भाग दे रहे हैं. एक्स क्या है? सॉरी, द मिड पॉइंट ऑफ द स्कोर्स इन द इंटरवल. एफ क्या है? द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिड पॉइंट. एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और स्टूडेंट्स. क्यू दोबारा आ गया है. अब इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा. देखिए वही डेटा है जो पिछली बार था, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39. वही फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट भी वही है. अब यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ गुणा देखिए कितना छोटा है, 15 14 5 0 4 6, कितना आसान सा है गुणा भाग. हमको यहाँ बड़ा बड़ा गुणा भाग नहीं करना पड़ा. क्यों? क्योंकि हमने एक एज्यूम्ड मीन मान लिया. किसको एज्यूम्ड मीन माना? 22 को. हमको ऐसा देख के हमको लगा हम 27 भी मान सकते थे, लेकिन हमने 22 मान लिया. 27 भी मानेंगे तब भी आप वही आएगा आंसर. तो 22 को आपने एज्यूम्ड मीन माना, तो ये मतलब कि हमको हर बार विचलन देखना है ना, तो 22 को ही एज्यूम्ड मीन माना है. तो यहाँ विचलन शून्य है. तो यार कहाँ गया. फिर यहाँ ऊपर जैसे चलते जाएंगे, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, यहाँ पे करेंगे प्लस फोर, और ऊपर जाते प्लस फाइव, प्लस सिक्स हो जाता है. नीचे आएंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री का कोई है नहीं. या फॉर्मूले में रख के देख लीजिए, एक्स कह रहे हैं ना, मिड पॉइंट क्या है इसका? बाई, इसमें तो जीरो ही आना, ये वाला देखते हैं. 22 में से 27 घटाएंगे, 5, 5 बटे 1 इज इक्वल टू 5, 5 बटे 5 इज इक्वल टू 1. ठीक है, उसी तरह से 22 में से 32 गया,
मतलब 32 में से 22 गया, 10 और 10 बटे 5 बराबर 2, तब भी यही आएगा फॉर्मूले में रखेंगे तब भी। और ये भी होता है तरीका कि आपने बीच में जीरो, जहां भी जीरो लिया उसके ऊपर 1 2 3 प्लस में आएगा, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 जहां तक भी जाएगा यही आएगा, फॉर्मूले में रख के देख लीजिए। अब करिए एफ का गुणा एक्स डैश में। एफ क्या थी? फ्रीक्वेंसी। एक्स डैश हमने निकालिया 3 तो 5 3 15, 7 2 14, 5 1 5 6 का जीरो में गुणा होगा जीरो आएगा, 4 1 4, 3 2 6। लेकिन माइनस का चिन्ह ध्यान देना पड़ेगा, ये चिन्ह का ही सारा खेल नहीं गड़बड़ हो जाएगा। फिर सारा जोड़ लीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि धन वाले चिन्ह से ऋण वाले चिन्ह घट जाएंगे और साइन उसका आएगा जो ज्यादा है, तो धन की संख्या ज्यादा है तो धन चिन्ह आ गया, धन चिन्ह लगाते नहीं है तो 24 आ गया पूरा पूरा, ठीक। यानी कि 15 5 20 और 14 34 में से 10 घटाना है तो 24 आ गया आंसर। तो ये हो गया समेशन ऑफ fx डैश इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 30। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू am, यानी अज्यूम मीन में हमको करेक्शन जोड़ना है। करेक्शन क्या है? समेशन ऑफ fx डैश अपॉन n इनटू i। समेशन ऑफ fx डैश क्या है? 24, n कितना है? 30, तो 24 बटे 30 गुणे 5। अब देखिए यहां पर खेल है, अगर आपने बॉडमास नहीं का नियम नहीं पता है आपको तो आप गलत कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 बटे 30 में पहले 5 से गुणा कर दें, तो ऐसे नहीं होगा, पहले भाग दिया जाता है तब गुणा किया जाता है। तो 24 का भाग आप 30 में देंगे तो 0.38 आ जाएगा, 8 को आप 5 से गुणा कर, 0.8 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 22 में 4 जोड़िए 26 आ गया। पिछले वाले मेथड से भी कितना आंसर आ रहा था? 26 ही आ रहा था, इस मेथड से भी 26 ही आ रहा है, लेकिन गणना यहाँ आपकी कम हो गई है। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है इसलिए एकदम इजीली हो गया, बहुत बड़ा लेंदी डेटा भी हो सकता है लेकिन फॉर्मूला हर बार आपको यही लगाना है, ध्यान देना है प्लस माइनस के चिन्ह पे, ध्यान देना है कि पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे तभी आंसर सही आएगा, और कंसेप्ट ध्यान देना है। हो गया मीन, इतना आसान है, मीन निकल गया आपका। इसी तरह से मीडियन और मोड भी सीख जाइए, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीएड और बीए के लेवल में तो इतना ही पूछा जाता है, एमएड एमए के लेवल में आपसे वो टी टेस्ट, एनोवा, एनकोवा ये सब पूछते हैं, ठीक है। आई हैव डन कंप्यूटेशन ऑफ मीन टू, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।